ये टोटल जो कपड़े हैं ना, 28 कपड़े हैं दोस्तों, 28 सारे मिलके ये क्लोथ्स हैं। और इसका जो कैपिटल लेटर है ना, पहले जो मैं दो अक्षर लिखूंगा, PD लिखूंगा, और ये नंबर 1579 1579 1579, ऐसा जो आपको सही लगे वो आप इसे बोल सकते हैं। इस नंबर के हमें टैग बनाने हैं, और ये है ना 10 रुपये का मार्कर आता है दोस्तों, बट फिर भी लोगों को नहीं मिलता है, क्या करें। ये ऑनलाइन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके ऑनलाइन बाय लिंक है, बहुत दिनों तक चलता है ये टैगिंग बार से ना, ये भी ऑनलाइन मिल जाएंगी, सही साइज़ के मिल जाएंगे आपको, और टैगिंग गन भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी ऑनलाइन बाय लिंक है। अभी 28 लेबल बनाने हैं दोस्तों मुझे, ये 15 और ये 20, इतने जगह में आपका एक लेबल आ जाना चाहिए। तो दोस्तों 28 हमारे टैग बन गए हैं, 28 बनाए हैं दोस्तों, ये सारे टैग है ना, 28 बन गए हैं, 28 बन गए हैं। अभी इनको कट करूँगा, तो इन सभी को कट कर देता हूँ। तो ये सारे लेबल कट हो गए हैं। मैं एक बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो व्हाइट कपड़े हैं ना, इसमें भी ये लेबल लगेगा, और व्हाइट कपड़ों में ब्लीच यूज़ करेंगे, गर्म पानी यूज़ करेंगे, घंटा दो घंटे वॉश होने देंगे, फिर भी ये मार्किंग है ना, ये बिल्कुल भी नहीं जाएंगी दोस्तों। और जहाँ पे यहाँ पे लेबल हो वहाँ पे लगाइए, या फिर एक छोटी सी जगह में सिलाई के साइड में कहीं पे भी जगह होगी तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये हो गया पहले इसमें आपको, और ये भी कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपका समझो नया, आपने बार्स लगाने हैं आपको, तो ये देख लीजिए पहले तो अच्छे से, और ये भी देख लीजिए ओके। तो ये वाला जो साइड है ना, इसको एक पिलर दिया गया है बार्स को पकड़ने के लिए, तो ये साइड यहाँ पे इस तरह से लगानी है दोस्तों। तो बस, और इस तरह से अगर साड़ी का ब्लाउज हो, समझ लो कि ये साड़ी पे ब्लाउज है, तो ब्लाउज ये रहा आपका, एक ब्लाउज है, तो ये जो सिलाई होती है ना यहाँ पे लगाना है आपको ओके, मतलब ये बाहर दिखेगा नहीं और यहाँ पे रहेगा, ये इस तरह से ब्लाउज है, और ये रहेगा आपका ये टैग ओके, ये ब्लाउज है यहाँ पे, और यहाँ पे ये सिलाई है, और यहाँ पे ये टैग रहेगा दोस्तों। और साड़ी जो है, साड़ी में लगाएंगे तो साड़ी में किस तरह से लगाना है, ये जो शुरुआत वाली साइड है ना, यहाँ पे चाहो तो नाम वगैरह भी शॉर्ट में नाम वगैरह लिख सकते हो, बट मैं तो नहीं लिखता हूँ। अगर आपके पास कारीगर वगैरह है, ज़्यादा स्टाफ है, ज़्यादा काम है, तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट में नाम लिख लीजिए, इन केस अगर ये निकल गया तो यहाँ पे आपका नाम वगैरह रह सकता है दोस्तों। तो ये रहा फॉल, ये साड़ी पहनी यहाँ से पहनी जाती है, ये शुरुआत का हिस्सा है, और ये फॉल के एकदम इसमें लगाना है दोस्तों। और लगाने के बाद में जब भी साड़ी आप फोल्ड वगैरह करोगे तो ये टैगिंग नीचे आएगा, तो आपको ढूंढने में या आसानी रहेगी दोस्तों। ये हो गया, और बताता हूँ मैं आपको, पैंट वगैरह हो तो पैंट में यहाँ पे लगा सकते हो, पैंट में बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे आप ये टैग लगा सकते हो दोस्तों, अंदर की साइड पे।
बहुत सारे कपड़े होते हैं ना दोस्तों, रेडीमेड होते हैं ना, तो इसमें आप इस तरह से लेबल लगा सकते हो। तो बस यही है, साड़ियों को भी बता दिया, ब्लाउज को भी बता दिया, शर्ट कुर्ते को बता दिया और पैंट में भी बता दिया। और बहुत सारे कपड़े लहंगा वगैरह आता है तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। यहाँ पे रेडीमेड अगर हो ना तो यहाँ पे इनका टैग वगैरह लगाया होता है साइज का वगैरह, तो यहाँ पे लगा सकते हो। चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो, अस्तर की साइड में लगा सकते हो दोस्तों। तो बस ये मैं सारे लगा लूँगा, टाइम लग जाएगा मुझे तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। टैगिंग बार्स, टैगिंग गन, सारा कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके ऑनलाइन बाय लिंक है। तो बस दोस्तों ये वीडियो यही तक थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।